प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों पर अपनी मोहर लगा दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए वित्त 2026-27 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन तय किया जाना है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का भी निर्धारण किया जाएगा। नगर पालिका और पंचायत की आय बढ़ाने को भी शर्तों में शामिल किया गया है। सोलहवें वित्त आयोग का है, 16th फाइनेंस कमीशन का है। मंत्रिमंडल ने आज 16वें वित्त आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज मीन्स की कल रात देर रात 11:30 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अपना अनुमोदन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार हर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 15वें वित्त आयोग का गठन जो अभी चल रहा है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, जिसको 2021 से लेकर 2025 तक यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन कोविड के समय थोड़ी दिक्कत आई तो उसके करके उसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 2026-31 मार्च तक है। सामान्य वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लेता है, इसलिए अब इसका गठन करना बहुत आवश्यक हो गया है ताकि आयोग सही समय पर अपनी रिकमेंडेशन दे, इसको राज्यों से और केंद्र से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पूरी फीडबैक लेके सलाह करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक ड्राफ्ट भी हम लोग तैयार करते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित किए गए हैं।